2016 में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि वे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। इससे पहले भी वे अन्य राज्यों में किसानों की कई रैलियों को संबोधित करने गए थे और वे इन रैलियों के माध्यम से 2 साल से सूखे से जूझते किसान और उनके बीच बढ़ते असंतोष और आक्रोश को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो किसानों की आय दोगुनी करना उनका एक ब्रह्मास्त्र था, एक ऐसा मंत्र जिससे किसानों को आश्वस्त किया जा सके। उसके बाद मोदी की मशीनरी जैसे अपनी हद ही भूल गई। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और उसे घोषणा को लागू करने के लिए रास्ते खोजने के लिए कहा गया। नीति आयोग ने भी मार्च 2017 में जल्दी से रिपोर्ट तैयार कर दी। तो अब 3 साल बाद चल क्या रहा है? क्या आय दोगुनी हो गई है? लगभग 9 करोड़ किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ देने के अलावा और क्या किया है मोदी सरकार ने? इन सवालों पर आने से पहले हम उन 14 करोड़ खेत मजदूरों को भी इस चर्चा का भागी बना लेते हैं, जिनका यहाँ होना निहायत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके बिना कृषि जगत का पत्ता भी नहीं हिलता। अक्सर यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि किसानों की आय बढ़ जाती है तो इन भूमिहीन मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ जाएगी। वास्तव में यह संभव नहीं लगता, लेकिन चाहे यह सच हो या झूठ, असली सवाल तो यह है कि इनके वेतन और काम करने की स्थिति में सुधार करना क्या महत्वपूर्ण कदम नहीं होगा? आखिरकार वे गरीबों में सबसे गरीब हैं। खेत मजदूरों का बड़ा हिस्सा दलित या आदिवासी तबकों से आता है, जिनमें कम साक्षरता दर, कम आय और घनघोर गरीबी पाई जाती है। बात तो अजीब लगती है, लेकिन खेत मजदूर मोदी के भविष्य के हर दृष्टिकोण से बाहर है। कृषि श्रमिकों के प्रति सरकार की उदासीनता साफ दिखाई देती है। देश के लेबर ब्यूरो द्वारा एकत्रित की गई मासिक मजदूरी की दरों को इस साल मार्च के महीने से प्रकाशित नहीं किया गया और जो उपलब्ध डेटा है वो एक गंभीर और डरावनी तस्वीर दिखाता है। पिछले 3 सालों में दैनिक मजदूरी केवल 33 रुपए ही बढ़ी है। याद रखें कि भूमिहीन मजदूर केवल मौसम के अनुसार काम करते हैं, उसके अलावा उन्हें रोजगार कहीं और ढूंढना पड़ता है जहां वे इससे भी अधिक शोषित होते हैं, जैसे कि निर्माण मजदूरी इत्यादि। इसलिए इन औसत दरों पर अर्जित की गई आमदनी पे उन्हें साल भर गुजारा करना पड़ता है। हालांकि कृषि मजदूरों की इस दुर्दशा की बदसूरत वास्तविकता मोदी के सपने का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन इसे ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं कल्टीवेटर्स की। किसानों को अपनी गेहूं फसल के लिए क्या मिलता है? भारत की सबसे बड़ी रबी फसल है गेहूं। पिछले रबी सीजन में किसानों ने लगभग 107 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यह देश के पूरे अनाज उत्पादन का लगभग 39% है। लेकिन क्या किसानों को इस फसल का उचित मूल्य दिया गया? इसे समझने के लिए हमें 3 चीजों की तुलना करनी पड़ेगी। पहला, फसल के उत्पादन की कुल लागत यानी C2। दूसरा, घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। और तीसरा, अनुमानित C2 प्लस 50% जो किसानों की एक लंबी मांग रही है और MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में 2004 में बने राष्ट्रीय किसान आयोग की मुख्य सिफारिश का हिस्सा भी है। मोदी सरकार लगातार झूठा दावा कर रही है कि वह उत्पादन की कुल लागत से 50% अधिक राशि किसानों को दे रही है। वे कुल लागत को चालाकी करके एक अलग तरीके से तय करते हैं, जिसमें वे जमीन के किराए इत्यादि को छोड़ देते हैं। वास्तव में मोदी के काल में गेहूं का न्यूनतम मूल्य हमेशा C2 प्लस 50% के बेंचमार्क से नीचे रहा है। उदाहरण के तौर पर 2020 से 21 के रबी सीजन में गेहूं की MSP 1,925 रुपए प्रति क्विंटल आंकी गई है, जबकि C2 प्लस 50% की लागत 2,138 रुपए प्रति क्विंटल बैठती है। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि इस एक फसल को तैयार होने में 5 महीने लगते हैं, इसलिए किसान मुश्किल से 5 महीने के बाद अपनी लागत पूरी कर पाते हैं और उनके खुद के लिए भी बहुत कम बचता है। अन्य रबी फसलों जैसे जौ, मसूर, चना
और सरसों की हालत तो और भी बदतर है, जहां खरीद ही बहुत कम है और कीमतें भी सीटू लागत से बहुत कम है। ऐसी ही कुछ स्थिति भारत की सबसे बड़ी फसल चावल की भी है। पिछले खरीफ फसल के मौसम में देश में लगभग 118 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अगर हम चावल के लागत और मूल्य की तुलना करें तो स्थिति और भी भयावह है। सीटू प्लस 50% की लागत और घोषित एमएसपी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, जो दर्शाता है कि किसानों को उनके उत्पादन पर लगी कुल लागत का लाभ बहुत कम मिला है। 2020 से 21 में खरीफ के बाजार के सीजन में चावल पर एमएसपी 1868 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि सीटू प्लस 50% का स्तर 2501 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। इसमें लगभग 34% का बड़ा अंतर है। यह किसानों के लिए बहुत बड़े नुकसान का सौदा है। अन्य खरीफ फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन जैसे तिलहनों की फसलों की भी ऐसी ही दशा है, या फिर इससे भी खराब है। यह दशा पीएम मोदी के उस दावे के खिलाफ जाती है, जिसमें वे अपनी कुशल सरकार के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के अथक प्रयास की बात कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने का जो एकमात्र महत्वपूर्ण तरीका था, यानी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करना, उसे भी अब तक नहीं अपनाया गया है। वास्तव में एक ढोंग रचा गया है कि कुल लागत पर 50% मुनाफा दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यह केवल मोदी सरकार की एक असफलता ही नहीं, बल्कि एक ऐसी असफलता है जिसको छुपाने के लिए बड़े बड़े झूठ तक बोले जा रहे हैं। इस घोर उपेक्षा के अलावा मोदी सरकार ने हाल ही में ऐसे अध्यादेश पारित किए हैं जो भारत में खेती की नाजुक अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। इसके तहत विदेशी खिलाड़ियों सहित बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं को उत्पादन से लेकर व्यापार, स्टॉक और मूल्य निर्धारण तक पूरी गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाएगी। इन दिग्गजों के पास मोटा पैसा है और वे किसानों को, विशेष रूप से कमजोर, छोटे और सीमांत किसानों को, जो कंपनियां चाहेंगी उसका उत्पादन करने और बेचने के लिए कहेंगे, जिसे किसान मना नहीं कर पाएंगे, और फिर फसल का भंडारण कर कीमतों को तय करेंगे। इन तथाकथित सुधारों को किसानों की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि वास्तव में ये उनके लिए बेड़िया और आर्थिक बर्बादी के रास्ते हैं। मोदी सरकार का असली एजेंडा यही था और किसानों की आय दोगुनी करने की सभी बातें महज एक झांसा भरी थी।